ऑडिशन के लिए चीज़ें तैयार करनी है, तो इनको पहले मैं जेसु लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसको कलर करेंगे और तस्वीर लगाऊंगी। और ये डिश मैंने आइसक्रीम के चम्मचों से तैयार किया है, ठीक है। अब इसको भी हम पहले जेसु लगाएंगे, फिर उसके बाद येलो कलर करेंगे, फिर उसके बाद इनके ऊपर तस्वीर लगाएंगे। ये स्टैंड के सजाने के लिए छोटी चीज़ें मैं जमा की हुई हैं, दिखाती हूँ आपको सारा कुछ जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है छोटा छोटा। घर में कितनी चीज़ें पड़ी होती हैं, ये बच्चों के खिलौने मैंने इकट्ठे किए हैं। इस सारा को जब हमने जेस लगा के तैयार कर लिया, अब इसके ऊपर हमने येलो कलर लगाना है, ठीक है। ये सब तैयार हो गए हैं, अब इनके ऊपर हम येलो लगाते हैं। अब ये हम बुक बनाएंगे तीन, तो उसकी फिलिंग हमने ये करनी है, ठीक है। और डो से बनाएंगे, इस तरह हल्का सा गिलो लगा लेते हैं। ये मैंने तैयार कर लिया है इधर, पहले हम इसको गीलू थोड़ा सा लगा लेते हैं। जिस शहर में मैं रहती हूँ ना, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, तो इसलिए जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है। हमारे शहर में चीज़ें नहीं मिलती, बाहर तो ये सब कुछ तैयार मिलता है। अब ये खुश्क हो गया है, तो मैंने ये बना लिए हैं, ये बन गए हैं। अभी मैं गीलू से लगाऊंगी। ये बाहर से हो गया, अब हम अंदर भी लगाना है। अंदर ये तस्वीर लगाऊंगी और इसके आउटलाइन में
ये फूल लगाऊंगी। अब ये देखिए मैंने डिश को सजा लिया। अब इसको सिर्फ हम वर्निश लगाएंगे। ये देखिए डिश तैयार है, वर्निश लगाएंगे इसको। डिश हो गई। अब ये जो हमने कप वगैरह चीज़ों को येलो किया था, अब इसको तस्वीरें लगाएंगे। प्रिंट आप वही निकाल के लगा सकते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। देखें अब कप कप में लगाते हैं। ये देखें सारा हो गया है। अब इसके ऊपर हम वर्निश लगाते हैं। जब फिलिंग हो गई तो मैंने इसको गोल्डन और कॉपर दोनों एक साथ मिक्स करके लगा कर दिया। अब ये अच्छा लग रहा है। ये देखें आपके सामने करूँगी तो उस वक्त खाली नहीं अच्छा लग रहा था। वैसे कलर कर लेना है। ये तैयार हो गई हैं कप। अब स्टैंड हमारा तैयार हो चुका है और ये उसका डेकोरेशन भी सारा तैयार हो गया है। तो फिर दोनों होंगे मुख्तलिफ वीडियो, उसकी स्टैंड की लादा है और ये डेकोरेशन की लादा है।
अगला जो है ये है, सीप को मैंने येलो पेंट कर लिया था, अब इसको मैं ये क्रिस्टल की डोरी लगाऊंगी। ठीक है, येलो को निशान लगा लिया है, ये देखें हमने कुशन बनाना है डेकोरेशन का, और ब्लैक को भी निशान लगा लिया है। साथ में ये हमें ज़रूरत पड़ेगी, वेलवेट की ये डोरी है, और साथ में हमें ये बॉल वाली भी ज़रूरत पड़ेगी कुशन को लगाने के लिए, और यकीनन नलकी ब्लैक और येलो। अब स्टार्ट करते हैं हम इसकी सिलाई। ये देखें अब इसकी हम सिलाई शुरू करेंगे। पहले हम लेस को फिट कर लें। लेस लगा के फिर इसको दोबारा सिलाई होगी। इस तरह लेस जो है मैंने चारों तरफ लगा ली है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे, फिर एक जगह से थोड़ा सा मुँह खुला छोड़ देंगे रुई डालने के लिए। अब ये निशान तो यहाँ से आ गया ना, अब इसी पे हम चलेंगे। अब ये कॉटन मैंने भर ली है, इसका हम मुंह बंद करेंगे। ये सिल गया है और इधर से मैंने इतना मुंह छोड़ दिया है रोही डालने के लिए। अब ये देखें तैयार है, अब हम रोही डालते हैं।
अब ये तैयार हो गए हैं, ब्लैक भी तैयार हो गए, लेकिन इसकी सिलाई इसीलिए नहीं दिखाई क्योंकि ब्लैक है, दिखता नहीं है साफ। अब इसको हम ये डोरी लगाएंगे, ये इस तरह डोरी लगानी है। ये देखें जी, अब ये ब्लैक कुशन भी तैयार हो गए, येलो भी तैयार हो गए, दोनों ये हमारे डेकोरेशन के कुशन तैयार हैं। पेन की ज़रूरत है और ये आइसक्रीम के जो चमचे होते हैं उसको मैंने इस शेप से काट लिया है। ये मैं डेकोरेशन बना रही हूँ, ये 5 पीस हैं और ये शीश ताउस वाले 2 हैं, 2 ये हैं। इसको अब सेटिंग कर लें, इस तरह तरह। अब दूसरी साइड भी ऐसे करेंगे। ये मैंने यहाँ पीछे से ये लगा दिया था स्टिक ताकि ऐसे हम खड़ा कर सके। अब इसको हम फूल लगाएंगे, ये देखें फूल। और इसके अंदर मैंने डो नहीं लगाई, मोती लगा रही हूँ अब ऐसे, और ये मोती आ गया, ये देखें मोती लगा दिया। अब ये तैयार हो गया है। तो ये गंदम की झड़िया मेरे पास थी तो अब ये लगानी है इसको। ये देखिए इस तरह, ठीक है। मैं अभी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या छोटा छोटा सामान बनाया है। एक तो ये हो गया, और अब ये बुक हैं, इसकी मैंने कुछ वीडियो तफसील से बनाई है, कुछ शॉर्ट कर दी है। वर्निश कलर लगा दिया था मैंने, सूख भी गया है। और ये मैंने हनी पेन से बना ली, लेकिन ये मैंने नहीं दिखाई थी। ये देखे बुक की शक्ल, ये देख रहे हैं, ये देखें। और इन तीनों को मैंने जोड़ कैसे बना दिया। अब जूत लगाते हैं, ये देखें इस तरह। पहले रिबन लगाते हैं। अब मैं बड़ा रिबन लगाऊंगी तो ये छुप जाएगा, इसलिए मैं 0 साइज का यूज कर रही हूँ। ठीक, लगाना तो बड़ा था लेकिन बड़ा नहीं लगा सकते क्योंकि जगह नहीं है। मैंने बुक ना बहुत छोटी बनाई है। और इसके ऊपर हम जूत को लगाएंगे,
ये देखें, बुक भी हमारी तैयार हो गई। अब ये दो हो गए, डिश हमने बनाई थी, देखें इसको मैंने यहाँ भी लगाया था डो से, और डिश तैयार है। और ये हो गया, लेकिन खाली कप अच्छे नहीं लग रहे। अब मैं कप की फिलिंग करती हूँ। मैंने फोम अंदर लगा दिया है, फोम के ऊपर हम थोड़ी सी ग्लू फैलाएंगे, क्योंकि ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा कप। ये कुशन हो गए, दो कुशन, ठीक। ये भी दिखाया था, अच्छा। ये बॉल, कुछ चीज़ें हैं मैंने नहीं दिखाई, कुछ चीज़ें ये सारा हमने स्टैंड के लिए तैयार किया है। ये अंडे को मैंने जोड़ के फिर ये इसके ऊपर तस्वीर लगा के डो लगा दी, और नीचे से स्टैंड था वो मैंने लगा दिया, तो ये भी हो गया। अच्छा, ये कुशन ना मुझे ऐसे लगता है कि सोना लग रहा है, अगर रिबन लगाएं तो अच्छा लगेगा। देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है, ये मैंने छोटा सा गमला बनाया। पहले ये बास्केट बनाई है, फिर ये मैंने डो लगाया है, फिर इसके बाद डो के फूल बनाए। ये डो के हैं सारे फूल, ये देख लें, डो है और वायर है। देखें किस तरह बन गया। ये भी स्टैंड के लिए, ये छोटे छोटे सामान जो है ना, ये भी ये क्या कहते हैं, आइसक्रीम स्टिक से सारी मैंने ये बनाई है, और ये जो है डो है, ठीक। देख लें, तो इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि फिर लंबा ज़्यादा हो जाता। ये सारे छोटे छोटे सामान है हमने स्टैंड के लिए बनाया है, कुछ और भी बनाना है अभी, लेकिन ये छोटा दिखा लूँ क्योंकि आगे जो बनाऊँगी वो थोड़ा बड़ा होगा। ये बच्चों की गाड़ी थी टूटी हुई, तो इसको मैंने पहले टायर भी लगा लिया डो से, और हल्का सा यहाँ येलो कलर दिया है। अब इसके अंदर हमने फूल लगाने हैं। ये गुलदस्ता लिया है, फिर उससे मैंने ये फूल काट लिए हैं। अभी हम फूल सजाएंगे, ठीक है। साथ में ये मैंने पहले बनाए थे, ये भी यूज़ करेंगे हम, ठीक। अब इसको देखते हैं, ये मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया है ताकि वो दिखाई ना दे। ग्लू की मदद से हम पहले इसको सेट कर लेते हैं यहाँ। फोम से ऐसे सजाते जाएंगे।
ठीक है, इस तरह। ये देखें फूल हमने लगा के तैयार कर लिया है। ठीक है, अब हमने आगे एक हमने यहाँ बिठानी है। ये चीज़ें बनाई हैं वो सब तैयार हो गई हैं, तो अब सेटिंग करनी है। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वीडियो मैंने बनाई है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वीडियो नहीं बनाई, तो अभी आप लोगों को बता देती हूँ। अब ये लैंप जो है, जो फॉइल में होता है डंडा, वो मैंने उठाया है। ये डंडा लगा हुआ है और नीचे से मैंने लकड़ी का ये जो फर्नीचरों के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, बेड पे के ऊपर देते हैं, तो वो मैंने काट के लगा दिया। और ऊपर से थोड़ा सा डंडा और ये बिप्सी कोक की जो खाली बोतल होती है उसको मैंने कटिंग करके तो उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाया और ये लेस लगा दी और यहाँ जूत लगाया और रिबन। ये हमारा लैंप तैयार है। तो इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई। और ये गत्ता है, गत्ते को मैंने काट के टोकरी बनाई। फिर ये डो से मैंने ये डिज़ाइन लगाया और ये डो से फूल बनाए। तो ये गमला हमारा तैयार है। इसकी वीडियो है तो वो आप देख लेंगे। इसकी भी मैंने वीडियो है, तो ये सुराही थी छोटे बच्चों के जो खिलौने होते हैं, उसको मैंने पहले पेंट किया, जैसो लगा के तस्वीर लगाई काट के, और ये डो लगाया और ये फूल लगा दिया। तो ये हमारा गमला ये भी तैयार हो गया। ये जो इसका पीस था, इसके ऊपर वाला, ये वाला, ये नीचे वाला है, ये मैंने कटिंग की ना, तो अब ये दो हो गए। तो ये वो चीज़ है, उसका बाकी पार्ट। तो उसको मैंने फिर डो वगैरह लगाई और जूत लगाया, तो ये स्टैंड तैयार हो गया। ऊपर से ये एग है, ये असली एग है। जब एग हम यूज़ कर लेते हैं तो उसको मैंने आपस में जोड़ के उस पर डो चढ़ा दी, तो एग तैयार। अंदर से ये मैंने तस्वीर लगा दी और यहाँ डो लगा दिया, तो ये भी, ये लेकिन ये मज़बूत है, ये टूटेगा नहीं। तो ये भी तैयार कर लिया। छोटे से दो मैंने कुशन बनाए, लेस लगा दी, दो कुशन भी तैयार हैं। और ये बुक बनाई है, तीन बुक डो से बनाई है, तो इसकी भी वीडियो होगी। तो ये तीन बुकें हैं, देख लें। हमने स्टैंड में जो डेकोरेशन करना है उसकी चीज़ें। और ये लकड़ी का है, वही जो फर्नीचरों में यूज़ होता है, किचन की बॉक्स बनाने में ये यूज़ करते हैं किचन में, तो वही मैंने इसको भी पेंट किया और जूत लगाया और यहाँ डो लगा के इसका ये पार्ट बनाया। तो मोम को मैंने पहले गोल्डन किया फिर जूत लगाया, तो ये हमारी, ये देखें, ये मोम हमारी तैयार है। ठीक, और ये सीप थी जिसके ऊपर मैंने पहले पेंट किया, एक्रिलिक लगाया है येलो, और पहले जैसो लगाया फिर उसके ऊपर मैंने ये नग की लड़ी चढ़ा दी। तो ये हमारा माशाल्लाह ये भी खूबसूरत हो गया। और ये टोकरी मैंने बनाई थी, पहले मैं दिखा दूँ आपको, ये चमचों से मैंने बनाई है। तो ये डो है और ये पीने हैं, मैंने काट के लगा दी, तो हमारी ये साइड हो गया। ये हमारी रेडी तैयार हो गई है डेकोरेशन के लिए। ये देखें इस तरह, ये बॉल और ये हनी, ये लेमन है, मतलब कि येलो ही चीज़ें कटी करनी थी। ये शूज़ है, तो हमने रेडी में सारा कुछ येलो ही रखना है। ये लेमन डो से बनाया, फिर मैंने ऊपर से कलर कर दिया। ये बच्चों की गाड़ी थी टूटी हुई यूज़ लेवल, तो फिर मैंने उसको, इसकी भी वीडियो होगी। सब चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता। फिर इसको मैंने हल्का सा येलो यहाँ दिया है और ये फूल लगाए हैं। फूल लगाने के बाद ये मैंने हनी बी भी लगा दी। इसकी भी, इसको भी मैंने पहले लकड़ी के टुकड़े को पहले पेंट किया,
तो ये भी डेकोरेशन हमारा तैयार हो गया। और ये सीढ़ी है, लकड़ी के चमचों से मैंने तैयार की है, सीढ़ी बनाई है, फिर जूत लगाया और ये डो से बना के लगा दिया। और इधर ये फ्रेम भी लकड़ी के चमचों से मैंने पहले काट के बना दिया, और ये घोंसला भी बनाया, फिर फूल लगाए तो ये भी तैयार हो।